बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करना पुण्य के मार्ग पर और स्वर्ग के रास्ते पर जाने वाला कार्य है। इस बात को सत्यापित करते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने हिमशिखा कॉलोनी में मकान नंबर 657 में हवन पूजन कर इस पुण्य के कार्य का शुभारंभ किया है। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पाहवा ने बताया कि वह अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने यह नई मुहिम भी शुरू की है। यदि किसी भी बेसहारा बुजुर्गों को सेवा की जरूरत हो तो वह ट्रस्ट से संपर्क करके हमारे पास रहने के लिए आ सकते हैं। हम उन्हें बिल्कुल घर जैसा माहौल देकर अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करेंगे। इसी को लेकर आज ट्रस्ट द्वारा एक बेसहारा बुजुर्ग मेहर सिंह सुपुत्र नाथूराम निवासी चंडीगढ़ को अपना आशियाना आश्रम में पनाह दी है। ज्ञात रहे कि वैसे भी हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कालका पिंजौर क्षेत्र में लावारिस शवों का निःशुल्क देह संस्कार हिमशिखा स्थित शमशान घाट में गाय के गोबर की बनी लकड़ी से किया जाता है। इसके साथ ही उनके द्वारा फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ऑक्सीजन सहित अन्य सेवाएं भी लोगों को उपलब्ध हैं और आपातकालीन की स्थिति में लोग हमसे संपर्क करके इन सेवाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर रोहताश आर्य, मेहर सिंह, मोहन, राकेश शर्मा, एडवोकेट देवव्रत, अशोक अरोड़ा, वरदान पाहवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ओम आयंत इदमे आत्मा जाति वेदस्ते नेहि धस्त वर्धस्त चेद वर्धय साहस्मान प्रजयाः पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्ना देन स्निधये स्वाहा। मैं हितेश पाहवा, हित चैरिटेबल ट्रस्ट, सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम एक वृद्धालय बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रम अपना आशियाना खोला है। इसकी प्रेरणा हमें करनाल से मिलती है। करनाल में बहुत बड़ा ये आश्रम है, बेसहारों का को सहारा देते हैं, लाचार व्यक्तियों को रखते हैं। आज उनके जरिए एक ब्रांच, एक सेवा केंद्र यहाँ पर भी खुला है और हम ये बुजुर्ग प्रभु जी उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उन्होंने मेरे से कहा तो हमने फिर इनको यहाँ पे आज रखा, हवन करा। इस कार्य से इस माहौल को, इस वृद्ध आश्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर से। एक बार पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि हम बहुत जल्द अपना एक आश्रम खोलेंगे। आज आप प्रभु सबके आशीर्वाद से ये शुरुआत हुई है, ये प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, ऐसे कई और आएंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 10-15 बंदे रख सकते हैं। होली होली आगे हम जगह लेंगे, उसको बनाएंगे। एक पिंजौर कालका के एरिए में एक वृद्धालय अनाथ बेसहारा लोगों के लिए एक अपना आशियाना खोलेंगे, ये हमारा आगे का प्रयास रहेगा। तो ये जैसे कि आप इनको रख रहे हो, रख रहे हो, जैसे कि आ रहे हो, तो इनसे आप कोई काम भी कराओगे क्या? नहीं, इनसे कोई काम ऐसा नहीं कराया जाएगा कि हम इनसे अपना कोई काम कराएं या कुछ करें। ये उस माहौल से रहेंगे, 80 साल के करीब इनकी उम्र है, जैसे एक हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं या माताजी होते हैं। एक वो नहीं कि हमने किसी को लाए थे हम उनको काम करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बुजुर्गों को बुजुर्गों वाला माहौल ही मिलेगा यहाँ पर, उनकी सेवा करेंगे। मैं, मेरे बच्चे,
मेरी धर्मपत्नी, हम इस तरीके से ये कार्य करेंगे। अभी तो हम खुद करेंगे, हौली हौली जैसे आगे कारवा बढ़ता जाएगा और बंदे होंगे, अटेंडेंस भी रखेंगे, बंदा भी रखेंगे इनके केयर टेकर के लिए। तो हम सब मिलके, हमारे साथ रोहताज जी हैं, खेमचंद जी हैं, आप लोग बहुत हैं, हरबंस जी थे, तो देवदत्त जी थे एडवोकेट, आप सब लोगों का सहयोग बहुत मिलता है मुझे। कल भी एक लवारिस बॉडी का संस्कार करा, मैं बाहर था, सभी मित्रों ने सहयोग दिया, उनका शाम को सब अच्छे हुए संस्कार हो गया मेरी गैर हाजिरी में, एंड पूरे टाइम पे मैं पहुंचा था। जैसे कि बहुत सारा लोग और भी आएंगे, और जैसे कि रिलेटिव हैं रिश्ता, तो जैसे मिलना चाहते हैं उनको परमिशन दोगे मिलने की? हाँ बिल्कुल, मिलने की परमिशन है कि हम ऐसे लोग रखेंगे जिनके आगे पीछे कोई ना हो, उनको नहीं, जो रिश्तेदार हैं या कुछ हैं उनका ऐसा भी नहीं, वो नेक्स्ट आगे सोचेंगे उसके बारे में, या जैसे एक गाइडेंस मिलेगी हमें सेवा केंद्र से, वैसे हम आगे कार्य करेंगे। अच्छा, जैसे कोई अपनी इच्छा चाहता हो कि मैं कोई काम भी करूं फ्री में बैठे, तो फिर आपका क्या इसके बारे में विचार? हाँ, वो अपना अगर चाहते हैं काम करना या कुछ भी अपना घर में, यही माड़ा मोटा कोई देख लिया कर लिया, नहीं होगा अगर ज़्यादा कोई एक्टिव है काम करने में, उनको शमशान में ले जाके वहाँ पे सेवा करवा लेंगे, अगर वो उनकी इच्छा होगी, हमारा कंपल्सरी नहीं होगा कि हमने काम कराना है। वहाँ पे भी एक सेवाएं हैं, करते रहते हैं हम भी, झाड़ू भी फेरते हैं, गोबर का लेप भी करते हैं, पाथियाँ भी बनाते हैं, बगीचे को भी तैयार कर रहे हैं वहाँ पर। इस तरीके से अगर कोई एक्टिविटी करना चाहो तो वो उनकी इच्छा होगी। तो जैसे कि आप इनको वहाँ से, जैसे कि आप मिलते हैं या आते, तो इसके क्या मतलब कैसे करते हो भाई, कुछ फॉर्म भरते फिर या कुछ ऐसा? हाँ, इनका फॉर्म भरते हैं, जो गाइडेंस मेरे को हमें करनाल वालों ने दी है, मार्गदर्शन दिया है, वो फॉर्म हमने लिया है, उनसे भरवाया, फिलअप करवाया है, वहाँ के जहाँ से ये प्रभु जी आए हैं वहाँ के चार लोगों के साइन करवाए हैं। अब इनकी सूचना हम प्रशासन को भी देंगे कि ऐसे ऐसे हमने इनको रखा है, ये कार्य हम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारी आवाज़ समाज तक पहुँचाते रहते हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और लोगों से भी कहूँगा इस कार्य को बहुत अच्छी भली भांति देखें, समाज की सेवाओं को देखें। आज एक हमारे एक हिमशिखा की बात है, वो कहावत है कि बगल में छोरा शहर में ढंढोरा। हमारे पास ऑक्सीजन की मशीन थी, उनको मालूम नहीं, काल पिंजौर में शोरी के पास गए, खेड़ा डॉक्टर के पास गए मशीन लेने, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने, पर यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आम लोगों को पता नहीं। कुछ लोगों तक आपके चैनल द्वारा हमारी आवाज़ पहुँचती है, हमारी सेवाएं पहुँचती हैं, हम आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। मेहर सिंह जी कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से जी। क्या काम करते थे वैसे आप? वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा, कितने साल की आपने जॉब वहाँ पे? 40 साल। तो फिर उसके रिटायरमेंट ही हो गई? हाँ जी। तो फिर आपके बच्चे? बच्चा कोई नहीं जी। और वाइफ भी खत्म हो गई। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? ये सर साहब साढ़े को आए, अपने क्वार्टर से बैठे थे, मुलाकात हुई, इन्होंने बोलवाणी बहुत अच्छी लगी हमारे को, बहुत मीठी, तो हम खुश हुई, हमें भी अच्छी जगह जा रहे हैं हम। तो थोड़ा सा मैं बीमार हो गया था, शायद यहाँ पर मैं ठीक हो जाऊँगा कमजोरी की वजह से। तो आप और क्या कहना चाहते हैं जो आपको यहाँ लेके आए, हम क्या क्या कहना चाहते हैं? नील जी मुझे यहाँ लेके आए, जो हमारे जनरल मैनेजर है, और उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। इन साहब साहिबान से मुलाकात हो गई जी वहीं पर राव दरबार में, बड़े अच्छे आदमी, मेरे को उनकी बोलवाणी बहुत अच्छी लगी, और बोलते बहुत अच्छा हमारे को महसूस हुआ कि शायद हम वहाँ पर ठीक हो जाएंगे, और कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं, कमजोरी की बात थी बस। तो आपके फैमिली में कोई और पीछे रिश्तेदार भी है? कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो आप खुश हो यहाँ पर आके? अभी आपका माहौल देख के हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी बोलवाणी सुन के और इन साहिबान की बोलवाणी सुन के बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा, विश्वास में हुआ आया कि ठीक हो जाऊँगा और अच्छे अच्छे दिन आएंगे मेरे इस बाकी एज में। हाँ जी।